महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता महादेव अर्थात शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त एवं शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग व्रत उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसी श्रृंखला में शहर के मोक्षधाम घाट स्थित अर्धनारी नटेश्वर मंदिर में सुबह से ही भगवान शंकर का दर्शन लेने श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वहीं यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस पावन पर्व पर परिसर में श्रद्धालुओं को साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया, साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी एहतियात बढ़ती है। आज जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, हम फिलहाल उपस्थित है मोक्षधाम घाट स्थित अर्धनारी नटेश्वर मंदिर में। नागपुर का ये एकमेव मंदिर है जो अर्धनारी नटेश्वर है, इसकी खासियत है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में ये मोक्षधाम घाट स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की हमें भीड़ दिखाई दे रही है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें शिव शंकर जी और माता पार्वती, इनका जो है एक मूर्ति है जो अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पे जो आए श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या बताओगे आप मंदिर के बारे में? ये जो श्रद्धालु जो आप देख रहे हो, ये अर्धनारी नटेश्वर की जो मूर्ति, आज का जो पावन पर्व का जो शिवरात्रि का जो यहाँ पे ये जो धाम है मोक्षधाम धाम, यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जो आते हैं, ये शिवरात्रि का एक हम लोग ने यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजन किया है इसमें सब चीज़ की व्यवस्था रखी गई है। फल है, फ्रूट है, अपना साबूदाने की खिचड़ी है और ये श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो, वो सब चीज़ की हमारे पास में। अगर किसी श्रद्धालु को यहाँ पे कोई तकलीफ हो जाती है रहते में, खड़े रहते में उनको चक्कर रहते थे, गाड़ी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ हमारे पास लाइट वाइट सब चीज़ की व्यवस्था है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ जो है बड़े ही उत्साह के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो आयोजन किया गया है, यहाँ महाप्रसाद भी जो है दिया जा रहा है, उपवास का जो है रहता है, फल फ्रूट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ कई तरह के कैंप भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।